हेलो, मुझे बचा लो मम्मी, मम्मी मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार डालेंगे, बच्चे मुझे मुझे बचा लो। समीर, जिंदगी के सफर में कितनी दफा होता है कि हम ऐसे रास्तों पर चल देते हैं जो सही मालूम होते हैं, लेकिन कुछ दूर निकलते ही एहसास होता है कि हम गलत रास्ते पर चले आए हैं, और सिर्फ गलत ही नहीं बल्कि किसी भयानक रास्ते पर चले आए हैं। और ऐसे में मन से एक गुहार निकलती है, बचा लो। मुंबई 2015, न जाने क्या हुआ कि उम्मीद के रास्ते पर चलते चलते रास्ता एक भयंकर जंगल के सामने जा खुला। चैट तो बहुत हो गई, अब ये भी बता दे मिल कब रहे हैं हम। 6 महीने हो गए हैं। सब्र करो बेबी, एग्जाम से मेरे अगले हफ्ते से फाइनल सेमेस्टर ना। यस, फिर इंजीनियरिंग खत्म और नौकरी शुरू। पार्टी। श्योर, चल बाय। बाय, लव यू। लव यू समीर। अरे आ गई आप मम्मी। आज काफी देर हो गई। अरे वो मीना बहन के उधर गई थी, 3 दुपट्टे दिए थे ना उन्होंने टाकने के लिए, बस वही पहुंचाने गई थी। बस और एक महीना फिर आपको अपनी आंखें नहीं फोड़नी पड़ेगी भाई, और फिर मिले ना नए स्कूल के यूनिफॉर्म लाना। पक्का से। उम्मीद है तेरी नई नौकरी में तेरे हाथों में ये गांठे नहीं पड़ेंगी। 10 साल से तो मैं देख रहा हूँ माँ, क्या क्या नहीं किया आपने हम दोनों के लिए। मेरी छोड़, अपनी हालत देख। अरे पढ़ाई भी करता है साथ में काम भी, कितनी मेहनत करता है रे तू बेटा। वो सब छोड़ो मम्मी, आपको पता है मेरी नई नौकरी में मेरी सैलरी कितनी होगी? कितनी? 40,000। हाँ, अब तो बस आप घर पे आराम करना और टीवी देखना और हमारे लिए बढ़िया बढ़िया खाना बनाना। अरे कैसा है भाई? बढ़िया। क्या चल रहा है? बस बढ़िया। अरे चल ना, अभी नहीं आता हूँ। अरे चल ना, क्लास है मेरी, आ रहा हूँ। अरे यार चल। अरे समीर, क्या है भाई, पढ़ाई लिखाई चल रही है? हाँ यार, एग्जाम जो आ रहे हैं। हाँ वही तो। अरे सुन ना, ये थर्मोडायनामिक्स मुझे समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा एक्सप्लेन कर देना भाई। सब मेरे नोट्स में ले ले। हाँ जी। देख यार, मुझसे तो नोट्स कॉपी हो नहीं पा रहे, तो मैं तेरी नोटबुक लेके जाने वाला हूँ। वैसे एक बात बता, तू नोट्स बनाता कब है? इससे जीनियस कहते हैं बॉस। अरे वो सब छोड़ो। अमनीश, तू बता रहा था कि तेरी जान पहचान का कोई डॉक्टर है। यार मम्मी का आर्थराइटिस दिखाना। सिर्फ आज रुक जा, कल पक्का। ठीक है। लंच हो गया? वैसे क्या पहन रखा है? कपड़े। शर आप बिजी हो। सुनो। बोलो। शादी कर लो मुझसे, सारे सवाल बीवी वाली कर रही हो। शादी करोगे मुझसे? समीर किससे चैट कर रहा है? हाँ गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड? कोई नहीं यार, बहुत लेट हो गया यार, मैं चलता हूँ। कहाँ पे जा रहे हैं? अरे वहीं जा, रोज जाता हूँ। बात तो सुन। अरे ज्यादा देर रुका तो धर्मपाल जान ले लेगा। बाय बाय, टेक केयर। तो मुझे दो। अरे भाई अब तो तुम इंजीनियर बन जाओगे हैं? हाँ, बस 1 महीना और, कॉलेज कैंपस के प्लेसमेंट में नौकरी भी मिल गई है। भाई इंजीनियर बन के हमें भूल तो नहीं जाओगे हैं? कैसी बातें कर रहे हो। अरे लो चाय भी आ गई, रख दे रख दे रख दे। लो भाई चाय भी, लो चाय पियो। अरे क्या कर रहे हो? पियो यार। मैं क्या हूँ, ज्यादा चाय पीता हूँ ना तो मुझे वो एबीसीडी, वो एसिडिटी हो जाती है। हाय, जवाब तो दो, कहाँ हो? इससे क्या हो गया है? ये रखो। समीर भाई 1 मिनट। बोल। समीर भाई मुझे ना ये डिफरेंशियल समझा दो ना प्लीज। एक्स प्लस 2y प्लस जेड। अभी मुझे समझ नहीं आ रहा, बाद में करूं। आपको समझ में नहीं आ रहा? हाँ, तो मैं कोई आइंस्टाइन हूँ? हाँ हमारे लिए तो हो। अरे क्या रुकी परेशान किए जा रही, थक गया है कॉलेज से? हैं? जा बेटा मुंह हाथ धो ले, जल्दी से खाना लगाते हैं। एक क्वेश्चन ही तो पूछ रही थी मम्मी।
ये तो डिस्चार्ज है। स्कूल के लिए लेट हो रहे हो, तुम जाओ। ठीक है भाई। समीर, 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 तुझसे बात कर रहा हूँ, कहाँ खोया हुआ है? लगता है तुझे फोन एडिक्शन हो गई है। क्यों? जब देखो नेट पे लगा रहता है। किससे बात कर रहा था? हाँ, लेट मी गेस, समवन स्पेशल। हाँ, हमें भी बता दे कौन है यार वो। कोई नहीं। अच्छा बोल, अब छोड़, आर्थराइटिस के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, डॉक्टर सोलंकी, पापा ने उनसे बात कर ली। तुझे टाइम मिला तो आंटी को लेकर चले जाना, और अगर टाइम ना हो तो मुझे बता देना, मैं लेके चला जाऊंगा। ठीक है। अरे इसे क्या हुआ? नो शुक्रिया, नो थैंक यू। अरे कैसी बात कर रहे हो आप? इंजन का काम है, टाइम तो लगेगा ना, सर्विसिंग करा देंगे हम। जय माता दी, जय माता दी। बड़ा टेंशन में लग रहा है भाई। अरे आज काम में मन नहीं है, अभी चोट लग जाती तो। अरे चाय ला ना भाई। ले भाई चाय पी और मुंह ठीक कर। पानी पिलाना। जी। क्या हुआ, किसी ने कुछ बोला? बोलो ना भाई। यार वो कोई है चैट रूम पे। लड़की आर्गुमेंट हो गई, जवाब नहीं दे रही है। भाई रोजमर्राओं की चीजों को घुन लगना, दीमक लगना सुना होगा आपने, लेकिन इंसान के दिलो दिमाग को भी घुन लगता है। चिंता, स्ट्रेस और दुविधाओं का घुन। समीर को भी कोई चिंता, कोई बात दीमक की तरह अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। एक पॉजिटिव और खुश मिजाज लड़का दिन ब दिन गुमसुम, अकेला और इंट्रोवर्ट होता जा रहा था। घर वालों और दोस्तों के पूछने पर भी समीर अपने मन की बात किसी से शेयर नहीं कर रहा था। कई हफ्ते गुजर गए और अचानक एक दिन मुझे माफ कर देना मम्मी, माफ कर देना रुकी। सिंथिया,
चैट रूम की फोटो से शक्ल नहीं मिलती है। समीर, समीर, उठ जा बेटा, कॉलेज के लिए देर हो जाएगी। समीर, सब कहाँ चला गया लड़का? रुकी, रुकी। जी मम्मी। भाई कहाँ? मुझे नहीं पता। कुंडी खुली हुई है। समीर, समीर बेटा। मम्मी कहीं गए होंगे बाहर। जरा फोन लगा भाई को। जी मम्मी। पता नहीं क्या चलता रहता है दिमाग में इस लड़के के। Number you have called is currently not reachable. Please try again later. Thank you. मम्मी, भाई का फोन भी नहीं लग रहा है। अवनीश को फोन लगा। अवनीश को। हेलो अवनीश भैया, आपके घर पे भाई है क्या? नहीं नहीं वो कुछ नहीं, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। जी नहीं है मम्मी। मम्मी भाई का रेड वाला बैग भी नहीं है। कपड़े? ये कपड़े क्यों ले गया? समीर को देखा तुम लोगों ने? लेकिन तुम लोग के साथ तो उठता बैठता है ना वो। देखा ही नहीं उसको। मम्मी अवनीश भाई आ गए। आंटी गैरेज में भी पता कर लिया। कुछ नहीं पता चला। भैया कॉलेज में अपने बाकी लोगों से पूछा? आज संडे है, कॉलेज की छुट्टी है, लेकिन मैं जितने लोगों को जानता था सबसे पूछा। चैट रूम पे किसी से टेंशन भी चल रही थी उनकी। ये तो मैंने भी देखा था। उसने कुछ बताया? आई मीन किससे बात कर रहा था, कुछ भी आइडिया? हाँ कोई लड़की थी। मम्मी मत रोना। मम्मी न जाने के साथ में होगा कैसा होगा मेरा दिल। मेरे समीर मम्मी भैया भैया कुछ पता चला? आंटी मुझे लगता है कि हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। आई मीन हम समीर को कहां कहां ढूंढेंगे? पुलिस समीर को आसानी से ढूंढ पाएगी। समीर से किसी की कोई रंजिश, कोई झगड़ा वगैरह? जी नहीं, बहुत ही भला लड़का है। आपने बताया समीर जाते समय सामान ले गया, मतलब पूरी तैयारी के साथ गया है। जी। समीर की जिंदगी में कोई लड़की, कोई लव अफेयर वगैरह? हाँ वो भाई किसी के साथ चैटिंग करते थे और बहुत परेशान भी थे, लेकिन कभी कुछ बताया नहीं। कोई लड़की थी? जी। लड़की का नाम वगैरह कभी बताया? भाई ने तो कभी कुछ नहीं बताया। तुमने पूछा नहीं? पूछा था। अच्छा समीर का कॉलेज में किसी लड़की के साथ कोई लव अफेयर वगैरह? सर मेरी नजर में तो कोई नहीं है। बाकी सभी उसके दोस्त है, अच्छा स्टूडेंट है, क्लास का टॉपर है, सभी की हेल्प करता है वो। शिंदे सर, इनसे समीर की फोटो लेके आसपास के सभी थानों में सर्कुलेट करवा दो और इनसे इनका मोबाइल नंबर भी ले लेना। हम ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे, जैसे कुछ पता चलता है आपको बता देंगे। हो सकता है समीर यहीं कहीं आसपास निकला। बगैर बताए तो वो बाजार पे नहीं जाता, गए हुए 4 दिन हो गए उसे। समीर के बारे में कुछ जानते हैं? नहीं सर, वो तो 3-4 दिनों से कॉलेज नहीं आया। कॉलेज की लड़की के साथ तो कोई अफेयर नहीं है, बट अगर कोई सीक्रेट अफेयर होगा तो हमें पता नहीं। सर वो बहुत शाई टाइप है पर बहुत हार्ड वर्किंग है।
गर्लफ्रेंड का तो पता नहीं, पर हाँ अमनी शर्मा उसका बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है, आप लोग जाइए। शिंदे सर, यहाँ तो कुछ खास सुराग मिला नहीं, लगता है ये समीर सीधा साधा लड़का है। यस सर, वैसे भी अभी तक हमें जो भी डिटेल्स मिली है समीर के बारे में उससे सब कुछ नॉर्मल ही लगता है। एक काम करो सर, समीर की कॉल डिटेल चेक करो और शायद वो कहीं काम भी करता है, वहां भी जाके पता करो, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। ओके सर। यहाँ धर्मपाल कौन है? मैं ही धर्मपाल साहब। समीर यही काम करता था? जी साहब यही काम करता है, लेकिन साहब पिछले 10 दिनों से आया नहीं। साहब कैसा लगा है वो? बहुत अच्छा लगा साहब, है पढ़ाई भी करता है, मेहनत भी करता है और पार्ट टाइम में हमारे यहाँ काम भी करता है। साहब साहब पूरे परिवार को संभाल के रखा है उसने। साहब इधर उससे किसी से कोई बातचीत, मतलब कोई ऐसा आदमी जिससे वो ज्यादा बात करता हूँ? मालूम नहीं साहब। आपसे कुछ बात करनी है। ये समीर के पिता जी रोड एक्सीडेंट में हम कॉलेज गए थे। ये अवनीश को कब से जानते हैं आप लोग? बचपन का दोस्त था समीर का, स्कूल में साथ पढ़ते थे दोनों साहब। सर समीर का कुछ पता चला? तहकीकात चल रही है। समीर का कमरा कौन सा? जी आई सर। नहीं सर यहाँ भी कुछ नहीं है। शिंदे सर मुझे ये प्यार मोहब्बत का मामला लगता है। लड़के ने अपनी माँ से इस रिश्ते के बारे में कुछ बताया नहीं, और अगर लड़की ने अपने माँ बाप को इसके बारे में कुछ बताया तो जाहिर सी बात है उन लोगों ने मना कर दिया होगा। नतीजा दोनों ने तय किया चलो घर से भाग चलते हैं। और इस बात को लेकर लड़के और लड़की ने एक दूसरे से मोबाइल पर बातचीत जरूर की होगी। लड़के की कॉल डिटेल्स निकालो। ओके सर। सर सर समीर के कॉल रिकॉर्ड्स। समीर ने ज्यादातर अपनी माँ से, गैराज के मालिक धर्मपाल से और अपने दोस्त अवनीश शर्मा से ज्यादातर बात की है। इसमें किसी लड़के का कोई नंबर नहीं है सर। शिंदे हो सकता है कि फोन लड़की के नाम पर रजिस्टर्ड ना हो। मुझे तो लगता है कि लड़का और लड़की दोनों शहर छोड़कर निकल चुके हैं, भागकर दोनों ने शादी कर ली है और कुछ ही दिनों में वो लोग वापस भी लौट आएंगे। लड़की इस शहर से नहीं है, अगर होती तो उसके माँ बाप ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट आसपास के किसी ना किसी थाने में जरूर करवाई होती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। मतलब साफ है मुझे ये मामला संगीन नजर नहीं आ रहा। परिंदे उड़ते उड़ते दूर आसमान में निकल जाएं तो शाम तक उनके घर लौटने की उम्मीद रहती है, लेकिन जब इंसान जबरन घर छोड़कर चला जाए तो हादसे की गुंजाइश बन जाती है। पुलिस ने समीर को हर मुमकिन जगह तलाशा, घटना की संजीदगी को देखते हुए कार्रवाई की, लेकिन सिंथिया और समीर दोनों बालिग थे, उनका भाग जाना कोई गुनाह कोई अपराध नहीं था। फिलहाल यह मामला महज गुमशुदगी का था। नतीजा पुलिस ने एक सीमा तक ढूंढने के बाद समीर के वापस लौटने या बेहतर सुराग मिलने का इंतजार किया। महीना गुजर गया, ना तो समीर लौटा और ना ही सुराग मिला। हेलो अम्मी, कौन बोल रहा है? अस्सलाम वालेकुम अम्मी। समीर कहाँ है? तो कहाँ है तो बेटा? जंग के लिए निकल रहा हूँ मम्मी, जंग के लिए। जंग? कैसी जंग? कौन सी जंग? कौम की जंग मम्मी, कौम की जंग। कैसी कौम? कौन सी कौम? क्या बोले जा रहा है तू? अपनी कौम मम्मी, अपनी। समीर मेरी बात सुन बेटा, कल घर वापस आ जा, थक गई हूँ तुझे ढूंढते ढूंढते बेटा। तेरी अम्मी तेरे बगैर मर जाएगी। सुनिए घर लौटा
कहाँ है? मुझे माफ कर देना अम्मी, अब तो जन्नत में ही मुलाकात होगी, जन्नत में। रुखसाना को मेरा प्यार देना अम्मी। अल्लाह हाफिज। क्या नाप शनाप बोले जा रहा है तू? समीर, समीर सुन मेरी बात सुन। बेटा बेटा तू कहाँ है? तू घर वापस आ जा। समीर समीर सुन, जंग कौम क्या मतलब है इसका अब्बास भाई? जंग और कौम बड़ी खतरे वाली बात है, और फिर शायद इस वक्त तुम्हारा बेटा हिंदुस्तान के बाहर है। मतलब? दुनिया जहान का मामला इस वक्त बहुत खराब चल रहा है। कुछ लोग नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं, धर्म और मजहब के नाम पर उनको बरगला रहे हैं। लेकिन वो चाहते क्या है भाईजान? कुछ सुना नहीं है तुमने? कई निर्दोष लोगों का कत्लेआम, कई बम के धमाके, एक मजहब को दूसरे मजहब के खिलाफ लड़वाने की कोशिश चल रही है। लेकिन समीर को क्या जरूरत है ये सब करने की? उसका किसी ने क्या बिगाड़ा है भाईजान? और वो क्यों क्यों जान लेगा मासूमों की? देखे बहन, ऐसे माहौल में हम लोग, हमारे जैसे मासूम लोग क्या कर सकते हैं? कुछ लोग चंद मुनाफे के लिए ये वैसी खेल खेलते हैं, गुमराह नौजवानों को अपना मोहरा बना रहे हैं और मजहब को बरगलाने का सामान। दरअसल मेरे लाड प्यार ने बिगाड़ दिया है उसे। डांटती नहीं हूं ना कभी, उसी का नतीजा आपकी बार आए ऐसी डांट लगाऊंगी कि अकल ठिकाने आ जाएगी उसकी। पता नहीं अब वो लौट पाएगा भी या नहीं। रुखसाना, ये सब्जी और ये ब्रेड है, दूध में शाम को ले आऊंगा। ओके, नमस्ते अब्बास अंकल। क्या हुआ आंटी, आप रो क्यों रही हैं? समीर का कुछ पता चला? देखो बेटा, हम कुछ पर्सनल बातें कर रहे हैं, बाद में आना। पर्सनल? लेकिन मैं भी तो इस घर का। देखो बेटा, अब तुम जाओ, समीर के आते ही हम आपको इत्तला कर देंगे, आपको बता देंगे। देखो, किसी पे भरोसा मत करना, इस बात का जिक्र किसी से मत करना, समझ गए ना? अस्सलाम वालेकुम। बच्चे माँ बाप के सुनहरे सपनों की मंजिल होते हैं, लेकिन समीर की खबर एक भयानक सपने की तरह उसके परिवार को झकझोड़ गई। घर से बिन बताए निकला समीर ये कहाँ पहुंच गया था? सबके साथ मिलजुल कर रहने वाला समीर कैसे कौम और जंग की आंधी में फंस गया था? ये सारी बातें बेहद जरूरी जांच पड़ताल की थी, लेकिन कहते हैं ना, बद अच्छा और बदनाम बुरा, और बदनामी के डर से समीर की माँ ने एक रिश्तेदार की सलाह पर पुलिस को इस बात की खबर नहीं की। समीर की मां के लिए अब हर दिन रात जैसा काला था, और हर पल खौफ का मंजर, जहां मौत उसके बेटे को हर वक्त घेरे हुए थी। सीरिया में हुए आतंकी हमले की चौतरफा निंदा हो रही है। इस हमले ने दुनिया के सभी देशों को आतंकवाद के खिलाफ एक साथ लड़ने वाली बात पर सोचने को मजबूर कर दिया है। आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज तड़के हुए इस हमले में अब तक 70 लोगों की मौत हो चुकी है, और यह अब तक का सबसे घातक हमला माना जा रहा है। इस हमले में किस आतंकवादी संगठन का हाथ है, इस बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। क्या दिख रही हो तुम? अपना समीर भी तो है, 70 लोग मारे गए, लोगों के टुकड़े टुकड़े कर दिए लोग। कोई है घर पे? क्या बात है, समीर घर जाएगा कि नहीं आएगा? वो अपने खाला के घर गया हुआ है पुणे। हमसे तो कह रहा था कि एग्जाम है, अभी आप कह रहे कि खाला के यहाँ गया? जी इतला करती हूँ उसे, आ जाएगा एक दो दिन में। आए तो भेज दीजिएगा। बात क्या है, कोई मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहा है? क्या नहीं बता रहा है भैया? नाटक मत कर, सुबह आंटी की रो रही थी, और वो अब्बास अंकल पहले तो कभी घर नहीं आए, अब अचानक से घर पे आ गए, चक्कर क्या है? चक्कर? कोई चक्कर नहीं है। तो मुझे सुबह घर से जाने के लिए क्यों बोला? तुम लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो?
बताओ रुखसाना क्या? ऐसी कोई बात नहीं है, और अगर कुछ होगा तो हम आपको खबर करेंगे। आप रो क्यों रही हैं? चाय पिएगा? आंटी बात क्या? प्लीज मुझे बताइए, आप लोग क्या छुपा रहे हैं मुझसे? बात ही नहीं है जब कोई, तो क्या बताऊं? आंटी कुछ बात तो जरूर है, प्लीज मुझे बताइए। बैठना। रुखसाना क्या हुआ? रुखसाना कुछ बोल, क्या हुआ? जमीर भैया आंटी रुखसाना क्या बोल रही है? जंग के लिए निकल रहा हूं मैं, जंग के लिए। कैसी जंग? कौन सी जंग? कौम की जंग अम्मी, कौम की जंग। हेलो, आपका बेटा समीर आलम शहीद हो गया है। आंटी हमें पहले पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए था, लेकिन एटलीस्ट अभी तो इन्फॉर्म कर सकते हैं ना। ज्यादातर अपराध सतर्कता की कमी की वजह से होते हैं, ज्यादातर अपराध कानून को विश्वास में ना लिए जाने की वजह से होते हैं। इंसान से गलती होती है, उसका सुधार भी हो सकता है, लेकिन अगर गलती को नजरअंदाज कर दिया जाए तो वो लाइलाज हो जाती है। समीर से गलती हुई, कानून को खबर नहीं हुई और समीर की मौत हो गई। अब समीर की माँ अवनीश के कहने पर पुलिस के पास पहुंची। पुलिस के लिए अब एक भयानक और जटिल मामला पेश होने को था। समय पर खबर नहीं देकर बहुत बड़ी गलती की आप लोगों ने। डेढ़ महीने से आपका बेटा समीर आलम गायब है, और जब आपको फोन आया तो आपको पता चला कि वो शहीद हो गया, वो भी किसी जंग में। एक बात बताइए, समीर खुद होकर घर से गया था? नहीं ना, कोई तो था उसके कॉन्टेक्ट में जो उसे बरगला रहा था। जब पहली बार आपको उसका फोन आया तो आपको हमें बता देना चाहिए था। तभी डर गए थे हम, समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। जरा सोच के बताइए, समीर किसी के कांटेक्ट में था जिससे उसका मिलना जुलना होता हो, बातचीत होती हो? कोई शख्स, कोई नाम? कोई नहीं था ऐसा सब। अच्छा तुम बता रही थी ना वो किसी लड़की से चैट करता था। जी, उस वजह से वो बहुत परेशान थे। लेकिन कभी उसने उसका नाम भी नहीं बताया? नहीं। एक बात बता दूं मैं आपको, ये आपके एक बेटे का ही मसला नहीं है बल्कि पूरे देश की सिक्योरिटी का मसला है। आपका बेटा समीर जिस किसी भी लोगों के कांटेक्ट में है वो देश और समाज के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। कोई भी कॉल आपको आए, संदिग्ध बात करे, आप हमें जरूर बताएं। शिंदे सर, हेडक्वार्टर को इस केस के बारे में तुरंत खबर करता हूं।
समीर आलम की फैमिली और उसके दोस्त अवनीश शर्मा के मोबाइल को सर्विलेंस पे डाल दो। ओके सर। ये समीर आलम किसी लड़की से नेट पे चैट किया करता था, उसकी बहन से उसकी ईमेल आईडी और उसके चैट रूम अकाउंट की आईडी लो और हमारे साइबर क्राइम सेल से तुरंत इसकी छानबीन कराओ। पता करो कि ये किस किस साइट पे जाता था और किस किस से चैट किया करता था। राइट सर। सर केवल समीर ही इनके निशाने पे नहीं होगा बल्कि और भी कई मासूम इनके निशाने पे होंगे। बिल्कुल, यहाँ रिक्रूटमेंट रैकेट चल रहा है। क्राइम ब्रांच और इंटेलिजेंस ब्यूरो दोनों को खबर कर दो, ये बड़ा ही संगीन मामला है। हमें पता लगाना होगा कि समीर कहाँ कहाँ जाता था और किस किस से मिलता था। समीर आलम को जानते हो? जानता हूँ सर। तुम्हारा नाम? विनीत, विनीत शर्मा। क्या नाम है तुम्हारा? भानु सिंह। सुनो जी, तुम्हारा नाम क्या है? वसीम, वसीम अख्तर। समीर को जानते हो? जी, मैकेनिकल में हमारे साथ ही था सर, वैसे कुछ दिनों से यहाँ पर आया ही नहीं है। क्यों? सर वो तो नहीं मालूम। समीर ने तुमसे कभी कोई खास बात वगैरह की हो? जी वो एक्चुअली मेरा सर क्लास है। ये एक संगीन मामला है, पुलिस की मदद करो। समीर ने कभी तुमसे कोई खास बात वगैरह की हो? सर कभी कभी उल्टी सीधी बातें करता था सर बस। अरे अपने बारे में सोचना बंद करो और कौम के बारे में सोचो। दुनिया भर में जंग चल रही है, कितना जुल्म हो रहा है अपनी कौम पर। इरफान तू तो न्यूज़ देखता है ना, बच्चे बुजुर्ग औरतें सबको मारा जा रहा है। यार पर अपने देश में तो नहीं हो रहा ना। तू पागल हो गया समीर, कौम अपनी जगह है बट वी आर इंडियंस। और अवनीश तेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो तो अपनी कौम का नहीं, उसे गोली मार सकता है? कैन यू किल हिम? जो टॉकिंग क्रैप। और हाँ, जो लोग कौम और जंग की बातें करते हैं ना, उनका एक पर्सनल मोटिव होता है यार। कौम और मजहब के नाम पर एक दूसरे को बेवकूफ बना रहे लोग। तू भी संभल जा मेरे भाई, चल। सर कुछ ना कुछ तो चालू था सर उसके दिमाग में। यहाँ कॉलेज में उसके साथ कोई था? नहीं सर, ऐसा तो कोई नॉलेज नहीं मुझे। जो समीर आलम, इसका ब्रेन वॉश इंटरनेट पे हुआ और वो यहाँ कॉलेज में अपनी कॉम के लोगों का ब्रेन वॉश करने लगा। जो भी हुआ नेट पे हुआ। यस सर। सर समीर आलम अपने चैट रूम से किसी सिंथिया नाम की लड़की से चैट कर रहा था। सिंथिया? यस सर, सिंथिया कैथलिक है। ये तस्वीर है सर उसकी। सर ज्यादातर बातें तो प्यार मोहब्बत की हुई है और ये अफेयर करीब 6 महीने से चल रहा था और सर 5 जुलाई से दोनों की बातचीत बंद है और उसी दिन से सिंथिया की आईडी भी बंद है, डिलीट सर। सर सिंथिया की लास्ट चैट में एक बात और है, सिंथिया ने किसी आरिफ बशर और मकसूद नाम के लड़के का जिक्र किया और उस दिन सर समीर भी चैट पे आया था लेकिन सिंथिया ने उससे ज्यादा बात नहीं की है और सर ये ग्रुप और ये चैट रूम उसी दिन से बंद है और खामोश है सर। लेकिन इसका आईपी एड्रेस तो मिल सकता है ना? सर समीर मकसूद और आरिफ का आईडी तो चालू है, उनका सर पता चल जाएगा लेकिन सिंथिया की आईडी तब से बंद है सर। बट सिंथिया की लास्ट आईपीएस एड्रेस मिल सकती है। मुझे डर है खतरनाक खेल देश के कई शहरों में खेला जा रहा होगा, न जाने कितने पढ़े लिखे नौजवान इस खतरनाक खेल की चपेट में आ रहे होंगे। डिजीज, रोग, बीमारी, ये दो तरह की होती है, व्यक्तिगत और संक्रामक यानी कि कंटेजियस। समीर के साथ जो हुआ वो सिर्फ एक वन ऑफ नहीं था, वो एक संक्रामक रोग की तरह फैलता चला जा रहा था। पुलिस को अपनी तहकीकात से इस बात का एहसास हो रहा था कि किसी खास कौम की नौजवान पीढ़ी को बरगलाया जा रहा है, उनमें मजहबी उन्माद भरा जा रहा है और उन्हें मुल्क के बाहर ले जाकर मौत के हवाले किया जा रहा है। लेकिन ये कौन था, कहां था और कितने बड़े पैमाने पर काम कर रहा था, इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल हो रहा था। उधर समीर के परिवार के लिए अब रह गई थी केवल यादें, अफसोस और समाज की तीखी नजरें। ये तुम्हारा ही बेटा था ना? आंटी, पर मैं, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, हम सब आपके साथ हैं। चलिए आइए। आंटी सब ठीक हो जाए। हेलो, मुझे बचा लो मम्मी, मम्मी मुझे बचा लो,
ये लोग मुझे मार डालेंगे, बच्चे मुझे मुझे बचा लो। समीर, समीर, हेलो भाई, भाई, हेलो भाई, भाई, समीर जिंदा है, अपना समीर जिंदा है। हाँ मम्मी, भाई जिंदा है और वो जरूर आएंगे। आपको फोन आया, हमें खबर है। आप कुछ कीजिए ना इंस्पेक्टर साहब, वो लोग मेरे बेटे को मार देंगे। बहुत बहुत नादान है मेरा बेटा, अब तो आपको पता चल गया ना। कुछ कीजिए इंस्पेक्टर साहब, कुछ कीजिए, मेरे बेटे को बचा लीजिए। आपका बेटा कश्मीर बारामुल्ला में है और हमारी फौज पहुंच रही उधर। सैयद कहाँ है? वो अजमेर, अजमेर शरीफ गया हुआ है। अजमेर शरीफ गया या किसी जंग पे गया है? साहब कुछ खबर नहीं, कुछ पता नहीं कि वो कहाँ पर है। आपने पुलिस को पहले खबर क्यों नहीं की? हम डर गए थे साहब। पहले तो उसने कहा कि हम अजमेर शरीफ जा रहे हैं, बाद में उसने फोन किया कि जंग पे जा रहे हैं। एक महीने से उसका कोई पता नहीं है, कुछ बोला नहीं उसने। एक महीने से उसके सर पे कोई धुन सवार थी साहब, पूरे दिन कंप्यूटर पे लगा रहता था और एक दिन बिना बताए निकल गया साहब। फिर फोन आया, मेरे बेटे को कोई बरगला रहा है साहब। अच्छी खासी अकाउंटेंसी की पढ़ाई कर रहा था वो, पता नहीं क्या हुआ साहब। सर इसमें कुछ तस्वीरें हैं जो श्रीनगर से आई हैं। ये आपके बेटे की तस्वीरें? ये हमारा समीर नहीं है सर। मम्मी ये तो भाई का स्वेटर है, याद है आपने उनको पिछले साल खरीद के दिया था जब वो कॉलेज की तरफ से ऊटी जा रहे थे। सर सिंथिया मैथिव के आईपी एड्रेस के मुताबिक यही घर है, लेकिन यहाँ तो ताला लगा हुआ। हाँ सर। एक्सक्यूज मी। जी आप इसी फ्लोर पर रहती हैं? जी हाँ। क्या आप बता सकती हैं ये लोग कहाँ गए? जी ये हमारे पड़ोसी थे, अभी एक महीने पहले शिफ्ट हो गए, तब से ये मकान खाली है। यही है वो? यही है वो, फातिमा नूरानी। फातिमा? जी हाँ। ध्यान से देखिए, ये सिंथिया मैथ्यू है। नहीं नहीं, ये फातिमा नूरानी है, इसका एक बेटा भी है और इसके पति शायद किसी कंपनी में इंजीनियर है। आपको यकीन है कि ये फातिमा ही है? जी हाँ, साल भर से इधर ही रह रही थी। ये लेडी हाउस वाइफ है, वेरी नाइस फैमिली। थैंक्स, वेरी नाइस शिंदे। लगता है मामला बहुत बड़े रैकेट का है। पुलिस को अंदाजा हो चला था कि ये मजहबी उन्माद का भयंकर खेल है जिसके तार दूर तक देश और विदेश से जुड़े हैं। उन्हें अंदाजा था कि कोई हिंदुस्तानी नौजवानों को बरगला रहा है, लेकिन तहकीकात के इस सिरे पर पुलिस को सबसे ज्यादा यकीन इस बात पर था कि फातिमा नूरानी और सिंथिया का इस सारे कांड से बहुत गहरा और संगीन ताल्लुक है। इधर समीर के मामले में भी पुलिस बड़े असमंजस में थी, पहले मुर्दा फिर जिंदा और फिर मौत का अंदेशा। लेकिन क्या समीर वाकई मर चुका था?
अंधेरे की खामोशी को चीरती हुई ये गोली किसने चलाई, किसको लगी? समीर आलम से जुड़ा ये मसला एकाएक कई सवालों के घेरे में आ गया। समीर की प्रेमिका सिंथिया, जिसका असली नाम फातिमा था, उसका समीर के गायब होने में क्या हाथ था? तो क्या सिर्फ समीर ही था इन उन्मादियों के निशाने पर, या फिर और भी थे? कहां छुपे बैठे थे दरिंदे, और समीर इस वक्त कहां था? लेकिन इस वक्त पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि बड़े ही संगीन षड्यंत्र के तहत देश के नौजवानों को देश और समाज के खिलाफ भड़काया जा रहा था, उन्हें धार्मिक उन्माद की तरफ धकेला जा रहा था, और समीर शायद उसी का शिकार हुआ था। इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देंगे कल इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।